बहुत काम था ऑफिस में। ये क्या है? तुम खुद ही देख लो। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो रोहित ने मेरे नाम करे हुए हैं। उसने किए नहीं, मैंने करवाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूं मेरी भोले सनम, दुनिया ना कभी भी रिश्तों की इज्जत नहीं करती है, करती है तो पैसों की। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है ना, दुनिया उसी की इज्जत करती है। तो जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसकी उतनी इज्जत। तो इस दुनिया और संसार में तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए, और यही सोच के मैंने बड़े प्यार से रोहित को अपने शीशे के जाल में फंसाया, और नतीजा तुम्हारे सामने है। रोहित है कहाँ? अरे प्रॉपर्टी साइन करने के बाद कहकर गया था कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ शांति और सुकून की तलाश में। सुकून और शांति की तलाश में? हाँ, कहकर तो यही गया था कि वो हिमालय की गोद में जा रहा है बसने के लिए। अच्छा हुआ यार तुम आ गई। कसम से यार, तुम्हारी तो तलब महसूस हो रही थी मुझे। तलब तो तुम्हें मेरी हमेशा ही रहेगी, क्योंकि मैं चीज ही वैसी हूं। लेकिन फिलहाल मैं इस काम के लिए नहीं आई, बट फिलहाल मैं किसी और काम के लिए आई हूं। किस काम के लिए? ये रहे कुछ पेपर्स जिन पर तुम साइन करोगे। ये किस चीज के पेपर्स हैं? इसमें ये लिखा है कि तुम अपने पूरे होशो हवास में अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे कर रहे हो, और ये घर छोड़कर तुम सन्यासी बन के हिमालय की गोद में जा रहे हो। और तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। पहली बात, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करूंगा, समझी तुम? तो फिर एक बात तुम भी समझ लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मतलब? जस्ट अ मिनट बेबी। ये देखो वीडियो। जबरदस्ती करने की तुमने ही कही थी मुझे? हाँ, मैंने ही कहा था, ताकि मैं तुम्हारे वीडियो बना सकूं। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस वीडियो की बदौलत मैं तुम्हें रेप केस के जुर्म में उम्र कैद के लिए अंदर करवा दूंगी। तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दो, वरना सारी उम्र जेल में तड़पने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी हासिल करने का प्लान तो तेरे भाई का ही था। भैया, इंतजार तो बस यही था कि तुझे जाल में फंसाने का, और किस्मत से तुम तो खुद ब खुद जाल में फंस गए। बेबी पेन, इस घर से और आप लोगों से मैं बहुत दूर जा रहा हूं। ये पेपर्स भैया को देते वक्त सिर्फ इतना कह देना कि अगर उन्होंने मुझसे सामने से प्रॉपर्टी मांगी होती तो मैं हंसते हंसते दे देता, लेकिन आज मैं
उनका सच जानकर पूरी तरह से टूट गया हूं यार। बड़ा आया ज्ञान देने वाला। अरे अरे, कोई उम्र है उसकी साधु संत बनने की? मैं भी उसको फोन कर रहा हूं। शिट, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। अब क्या होगा? अरे होगा वो ही जो हर पैसे वाले के साथ होता है, ऐश हो आराम की जिंदगी, ना कोई बंदिश, बस जिंदगी जीने का मजा, और क्या। जो तुम ये खुली आंखों से सपना देख रही हो ना, कभी साकार नहीं होने वाला है। मतलब ये कि पिताजी के आखिरी सांस लेने के समय मेरे कहने पर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी के पेपर इस तरह से बनवाए थे कि हम दोनों भाई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे? जैसे अगर किसी प्लान के चलते या किसी धोखे के चलते हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ भी ऐसा किया, प्लान करा या धोखाधड़ी करी, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली किसी ऑर्फन के नाम चली जाएगी और हम दोनों भाइयों के पास प्रॉपर्टी के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। और ऐसा पिताजी ने मेरे कहने पर करवाया था, वसीयत कुछ इस तरह से बनी है, और ये बात रोहित अच्छे से जानता है, इसलिए वो चाहकर भी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर पाएगा। अब सच सच बताओ, तुमने रोहित के साथ ऐसा क्या किया जो उसने प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दिए? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस क्या, पर बेबी तुम मुझसे नाराज हो ना, तुम्हारे भैया की जाने के बाद मैं तुम्हारी नाराजगी तो दूर करने आई। अपने इस हुस्न का इस्तेमाल करके मेरे भाई की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दी। मैंने जो भी किया हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए किया। और प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम इतना गिर गई कि तुमने मुझसे धोखाधड़ी कर दी। थू है तुम पे रोशनी, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, बल्कि खुशी इस बात की है कि मैंने पिताजी से बोलकर ऐसी वसीयत बनवाई। उसी सोच की वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच में कभी नफरत की दीवार खड़ी नहीं हुई। तुमने भले ही मुझे फायदा पहुंचाने, मेरे भाई को फंसाने के लिए अपने इस हुस्न का सहारा लिया जो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाने के बाद तुम उसे ब्लैकमेल कर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दोगी और सारी जिंदगी बेदाग होने का नाटक कर मेरे साथ ऐश करोगी। पर अफसोस, तुम्हारा यह सपना कभी साकार नहीं होगा। तो रोशनी, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहली बात, मेरे भाई को प्रॉपर्टी की सारी जानकारी होने की वजह से वो आत्महत्या कभी नहीं करेगा, और अगर अपराध बोध के चलते वो ऐसा कोई कदम उठा लेता है तो हम दोनों की सारी प्रॉपर्टी किसी ऑर्फन्स के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी दौलत मेरा छोटा भाई है, और अगर वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरी बात यह है, जो तुमने मेरे भाई को फंसाने के लिए खेल खेला है उसके बदले सारी जिंदगी तुम्हें सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसी औरतें प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी भाइयों को अलग ना करा सके। तुम्हें दी हुई सजा बाकी औरतों के लिए एक सबक होगा। हेलो पुलिस स्टेशन, रघुनाथ सिंह बात कर रहा हूं।